Good morning, students. Welcome to your English class. Today, we are going to revise preposition. Okay, so take out your English workbook, open your page number 60. Okay, children, today is 28th November. So, mention this date in your English workbook. This is our revision work. So, today we will revise preposition for unit 2 exam. Okay? So, let's start our study. Look here, number 1. Say with me K I T E kite. IS is dash T H E the T R double -E Okay? as you know that what are preposition okay i say that once again what are preposition okay preposition are used to show the location or position of an object okay preposition are used to show the location or position of an object okay like that in

काइट ट्री के ऊपर है तो आपको पता है ना ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं ऊपर के लिए हम ऑन का यूज करते हैं ओ एन ऑन ओके सो व्हाट विल यू डू हियर वी विल राइट ऑन हियर ओके ओ एन ओके We use of own. Okay, next, number two. Say with me, everybody. F -l -o -w -e -r, F-L-O-W-E-R Flower, I-S, is, dash, T -H -E, T-H-E, the, V-A-S-E, was. Flower is, dash, the, was. ओके वेयर इज फ्लार लुक हेयर टेल मी एनी वन वेयर इज फ्लार फ्लार इज इन दास ओके यू नो हाउ टू यूज ऑफ इन ओके आई सी दैट इनका यूज हम कहा करते हैं बताएं आपको जब भी कोई वस्तु जैसे कि ये फ्लार है ये वास वास के अंदर है वास में है तो मे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं इन का यूज़ करते हैं ओके जैसे स्टूडेंट्स हैं और आप क्लास में हो तो क्लास में, यानी मे के लिए किसका यूज करेंगे का सो वी विल राइट इन हीयर स्पेलिंग ऑफ इन सी विथ मी आई एन इन ओके flower is in the vase okay next number three are you looking this this is a cot and this is a ball okay we will say in hindi charpai okay say with me everybody b a double l ball is dash th -E, the cot कॉट ओके बॉल इज डैश द कॉट लुखे यार वेयर इज बॉल बॉल इज अंडर द कॉट बॉल कहाँ है बॉल चारपाई के नीचे है तो नीचे के लिए किसका यूज होता है टेलमेनि वन अंड ओके नीचे के लिए हम अंडर का यूज करते हैं ओके स्टूडेंट सो वी विल राइट अंडर हेयर से विथ मी स्पेलिंग ऑफ अंडर यू एन डी ई आर ओके बॉल इज अंडर द कॉट ओके नेक्स्ट नंबर फोर जी आई आर एल गर्ल आई एस एज डैश टी एच इज द डब्ल्यू ए डबल एल वॉल ओके गर्ल इज डैश द वॉल व्हाट विल यू डू हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लुक वेयर इज गर्ल टेलमी एनी वन वेयर इज गर्ल गर्ल इज बिहाइंड द वॉल गर्ल कहाँ है गर्ल दीवार के पीछे है तो पीछे के लिए किसका यूज होता है ओके आई से दैट पीछे के लिए बिहाइंड का यूज होता है सो वी विल राइट बिहाइंड हियर स्पेलिंग ऑफ बिहाइंड से विथ मी बी ई एच आई एन डी बिहाइंड

यानी जल कहाँ है जल जग में है ओके okay. तो मे के लिए किसका यूज करते हैं इन का, जग ओके स्टूडेंट सो वी विल रिपीट वंस अगेन ऊपर के लिए ऑन का यूज करते हैं काइट इज ऑन द ट्री नंबर टू फ्लावर इज़ इन दॉ यानि मे के लिए इनका यूज़ करते हैं नंबर थ्री बॉल इज अंडर द कॉट नीचे के लिए अंडर का यूज़ करते हैं नंबर फोर गर्ल इज़ बिहाइंड द वॉल पीछे के लिए बिहाइंड का यूज़ करते हैं नंबर फाइव वाटर इज़ इन द जग और मे के लिए इनका यूज़ करते हैं ओके सो यू विल डू दिस वर्क नीट एंड क्लीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो